ग्यारह माँ सरस्वती का बोल शारदा माँ की जय आपके सामने। मुझे लग रहा है पूरी शॉप है, अभी तो गाड़ी में भी पड़े हैं। सारे एवेंटेड और ये है हमारी दिवाली 2022 की। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here and happy Diwali आप सब लोगों को। तो आज हम करने वाले हैं अपनी दिवाली सेलिब्रेट नानू एंड नानी के साथ में, तो बहुत ज्यादा वाला मजा आने वाला है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, पूजा, उसके बाद क्या क्या लेकर आए, बड़ा दिवाली स्टैश करेंगे। यस, मतलब इतना बड़ा स्टैश लेकर के आए ना पटाखों का, कि मतलब नानू भी बहुत क्रेज है इस चीज का। तो नानू मजा आने वाला फिर आज? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। आज तो मजे के लिए आए ना, तो अपने करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो, लेट्स गो। वेल सो गाइस, अपने ब्लॉग्स बैक हियर। तो मुझे दिवाली का पूजन है वो हो गया है स्टार्ट। तो आज के दिन किसी पूजा करी जाती है? आज के दिन वैसे जो दिन है वो है माँ लक्ष्मी का, लेकिन गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, माँ सरस्वती जी, इनकी पूजा की जाती है। साथ के साथ आज के दिन विक्रमी संवत भी स्टार्ट हुआ है, तो हिंदुओं में जो नव वर्ष है उसका आज के दिन पहला दिन माना जाता है। तो बाकी ये जो है बचपन से ही नानी ये हटरी भरते हैं और उस पे कैंडल्स लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि दिवाली पे जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, इसी तरह से हम अपने जो व्यापार है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसको भी इल्यूमिनेट करते हैं कि गॉड हमें प्रॉस्पेरिटी दो और सब तरफ से हमारे को ऑस्पिशियस डे आज जो है पूरे साल की जो है मंगल कामनाएं भगवान हम पर बारिश की तरह बरसा दो। ये जो है ये लोटस है और कहते हैं ना कमल आसीना, मतलब माँ जो लक्ष्मी है वो कमल पे विराजमान होती हैं, तो इसलिए उनको कमल पे बिठाया गया है। जयकारा शेरावाली का, जयकारा माँ लक्ष्मी का, वो साचे दरबार की जय, जयकारा मंगलकर्ता की जय, जय जयकारा माँ सरस्वती का, बोल शारदा माँ की जय, गणेश भगवान की जय। दिवाली की जो लाइटिंग होती है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तो देखो सारे के सारे घर ही सजे हुए हैं, तो अभी यहीं पे हम लाने वाले हैं अपना क्रैकर्स का सारा स्टैश और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गए नानू, क्या हुआ? कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। तो जो क्रैकर्स है ना, मैं एक हफ्ते पहले यहाँ पर आया था, मैंने पूरी करी थी टेस्टिंग क्रैकर्स की, तो नानू ने कहा था बहुत अमेजिंग है ना? हाँ बिल्कुल अमेजिंग, फर्स्ट क्लास। तो अभी सबको मैं जाने वाला हूँ, लेकिन अभी सीन क्या है कि कल चिराग भाई, गोपाल भाई सारे आए थे मेरे घर पे, तो कल भी हमने थोड़ा बहुत घर पे किया था, तो आप जरा पहले वो वाली क्लिप्स देख लो, उसके बाद में अभी जब हम दिन में आए थे कुरुक्षेत्र, तो यहाँ पे थोड़े बहुत और क्रैकर्स लेकर आए हैं, आप जरा पहले वो वाली क्लिप भी देख लो और आपको दिखाता हूँ कि अभी कौन कौन से मैं क्रैकर्स लेकर के आया हूँ और ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये चिराग भैया, गोपाल अभी आए हैं, बिकॉज कल तुम जा रहे ना कुरुक्षेत्र, मैं, पापा, मम्मा, तो वो भी गिफ्ट मिल रहा है उनसे, बहुत बड़ी बात है। और सब बढ़िया? शादी कब हो रही है फिर? और हैप्पी दिवाली वैसे भाई, तब हैप्पी दिवाली गोपाल भाई। पापा डालते रहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस, चिराग भैया देखते रहते हैं क्या क्या डल रहा है, फिर चिराग मुझे फोन करते हैं। पूजा हो रही है ना, पापा सुबह पूजा में जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, करवा रहा हूं। अच्छा, दिवाली की पूजा कल कम से कम 300-400 लोग आ रहे हैं। ओके, मतलब पापा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। देखा करो स्टेटस, आप देख रहे हो ना, बहुत है, आप डालते हो स्टेटस कोई भी, ये मुझे फोन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि 25 को कुरुक्षेत्र में ग्रहण के दिन स्नान भी है। The next day. यार आज तो इतनी ज्यादा भीड़ है ना पटाखों वाली जगह पे, पापा देखो साइड में खड़े हो गए हैं और मैंने अभी ना लड़ियाँ ली हैं, बिकॉज ये उस दिन मेरे को मिली नहीं थी। अब हम बिलिंग करवा रहे हैं यहाँ पे और ये सारे पटाखे मैंने अभी लड़ियाँ ली हैं, मेजरली स्काई शॉट्स ली हैं, इतनी भीड़ है ना। अब आप लोग सोचोगे दिवाली का जो पूजन है वो हो गया, दिवाली की जो लाइट्स आपको मैंने वो दिखा दी, तो अब क्या बचा है जिसके लिए आप आए हुए हो, क्रैकर्स का पूरा स्टैश ये भी है और साथ में गाड़ी भी पड़े हुए हैं, तो मतलब आज तो दिवाली अपनी पूरी तगड़ी वाली बनने वाली है। आप एक बार उठा के बताओ इसमें कितने क्रैकर्स होंगे, उठाओ वजन, भारी है? हाँ 10 किलो है। And here is the stash. कैसा लग रहा है मम्मा? बहुत अच्छा, इतने सारे क्रैकर्स
आपके सामने मुझे लग रहा है पूरी शॉप है। अभी तो गाड़ी में भी पड़े हैं है? अभी अभी पापा और मैं और खरीद के लाए हैं, कह रहे नहीं थोड़े से और लेकर आने हैं। बताओ जरा इसके बाद भी हो रहे हैं। वो होता है ना कि हमेशा बोलते थे कि हमको पटाखे कम दिलाएंगे कम दिलाएंगे, फिर हमेशा खुद भी लेकर आते थे, खुद ही ले आते थे। तो इनको भी तो शौक है ही पटाखों का हमेशा। तो अभी ये तो पटाखे हैं ही, गाड़ी वाले दिखाऊं मैं आपको जो गाड़ी में लेकर आए हैं। बोलो अम्मा डिक्की आप एक बार। जय श्री राम। अभी ये इतने हरे पटाखे और हैं, आपको दिखाता हूँ मेरा फाइनल स्टैश, मतलब भाई स्काई शॉट्स, अनार, इतना कुछ है ना आप लोगों को मजा आने वाला बहुत ज्यादा इस वीडियो में। तो जो मेरा पूरा स्टैश है ना इस बार में, उनमें बॉम्ब वगैरह ज़्यादा लेकर नहीं आया, बिकॉज यार उनका कुछ फ़ायदा होता नहीं और उनको फोड़ते रहो और उनके बाद कान में दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत ना, तो इसलिए मैं इस बार स्काई शॉट ज़्यादा लेकर आया हूँ। अनार तो बहुत सारे लेकर आया हूँ, चक्री है, फुल जड़ी में इतनी लंबी वाली लेकर आया हूँ 100 सेंटीमीटर वाली, विशिंग लैम्प भी है मेरे पास में, स्काई शॉट्स वाला 120 है, 30 है, 60 है, और जो 240 वाला है ना वो मेरा एक्चुअली दिल्ली में है, बिकॉज उसका कुछ रीज़न है, जब मेरी गाड़ी की डिलीवरी होगी ना पापा पीछे हंस रहे हैं। तो अभी सीन क्या है कि पटाखे फोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी भूख लग रही है तो पहले कुछ खाते हैं, और जो स्काई शॉट्स हैं उनमें आप लोगों को मजा आने वाला है बहुत ज्यादा दबा करके। तो बस एक काम करते हैं, शुरू करते हैं पटाखे फोड़ना। 240 शॉट की जरूरत फिर पड़ेगी इस बार? दो क्यों, अगर एक तो आएगी गाड़ी, एक तो आएगी यस, और नहीं हुरैकन एवेंटाडोर 240 की या 480 की आपको पता है? वैसे 1000 शॉट भी आते हैं स्काई शॉट्स के अंदर, सीधा वही ले आएंगे। तो मतलब जितनी अच्छी गाड़ी होगी उतने शॉट्स बढ़ते रहेंगे। सस्पेंस। मम्मा गाड़ी अपग्रेड करने का टाइम आ गया है मेरी लैम्बोर्गिनी। पापा अगर कह रहे हैं तो आ गया। मतलब मम्मा भी सेमी पड़ी है, पापा भी ठीक है डन, मतलब गाड़ी इस बार फिर अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, खुलने वाली गाड़ी भी आ सकती है, कन्वर्टेबल eventually। तो जो शुरुआत है ना आज की वो गोला बम से कर रहे हैं, गोला बम फोड़ के। तू तो कह रहा था गोला बम नहीं लाया मैं। आप मना करते हो गाड़ी चलाओगे नहीं बदला देते हो, ये क्या मतलब हुआ? तो गोला बम तो आएगा ना, देखो बेशक आपको एक पीस आए या एक पैकेट आए। अरे राम, ये होगी शुरुआत हमारी आज की दिवाली की गोला बम फोड़ के। दो जो हमारे सबसे बड़े वाले अनार है ना वो मैं जलाने वाला हूँ, और लिटरली इसका इतना ज्यादा होता है एक्सप्लोजन। ये जो अनार थे ना ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ऊपर से मम्मा ये ऐसा है कि आवाज करते है, नहीं है, साइलेंट भी है, मम्मा समझ आती है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। शांति। चलो जी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्काई शॉट से, एंड 3 2 1। भैया आती मासी मेरे को कह रही है मेरा 14 भी ला दे मम्मा, सबके ला रहा है, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। ऐसा क्यों दे दूंगी? देख तू ले आ फटाफट से, लेने वाला बंद। तो मेरा दुबई ट्रिप का अप डाउन पूरा, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। तो आज ना हम सीधा मिल रहे हैं 1.5 साल ऑलमोस्ट बाद, ये तेरे बर्थडे के बाद, पिछले बर्थडे। हां तू कौन सा जलाने वाली है आज? अनार है, अनार गोला बम जलाना। देख को डर लगता है उससे बहुत। कौन सा जलाने वाला पटाखा आज? अनार। यार ये गलत बात है अनार बनार की, गोला बम से शुरुआत करो सीधा पटाखों की। यू शट अप। मौसा ने इकट्ठे 5 में आग लगा दी है, कह रहे हम 5 में जलाएंगे, ये हमारा स्टाइल है आज का। ये देखो भाई ये है हमारी दिवाली 2022 की, 5-5 अनार जल रहे हैं इकट्ठे। सबसे खतरनाक पटाखा होता है ये रॉकेट, कहीं चला जाता है। तो जो ड्राइवर अंकल है ना उनका फेवरेट वाला बम चला रहे हैं हम, बडवाइजर वाला। तो इसको ऐसे कैन की तरह खोलना होता है, ऐसे पकड़ो इसमें आग लगा दो, ये अनार की तरह ऐसे कैसे इसमें आग लगा दो। ड्राइवर अंकल ये वाला बम आपके नाम। ये आते ही सेल्फी लेने लग गए हैं देखो सारे अपने मम्मा। यहाँ पे यदु से मिलने उनके फैंस आए हुए हैं, YPM फैंस हैं सारे, और भाई कुरुक्षेत्रा में आए हुए सारे सेक्टर 3 से। अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। आप आते हैं ना व्लॉग में देखते हैं कुरुक्षेत्र आते हैं, आपके वीडियो में एड्रेस देखा था स्क्रीनशॉट। अच्छा तो ये वाला अनार है ना ये बहुत खतरनाक होता है, एकदम से ऊपर आ जाता है। ये देखो
कोई टेस्टी नहीं है। तो मेरे मौसा है ना, ये लेकर आए हैं आज कुछ अलग सा चीज़ है, दिखाओ। चला ही नहीं। ओके, मतलब खींचने से फट जाता है ये। ये तो बचपन में इतने लेकर आते थे, मेरे को फूंक मारता था, तो मैं फट रहे नहीं है। ऐसे कुछ नहीं होता, फूंक फटा अभी भी नहीं। और मम्मा अभी फिर इंटरवल, थोड़ी देर का एक खाने का ब्रेक है, तो सब अभी पिज्जा खा रहे हैं, इसके बाद फिर मुंह पटाके फटेंगे। हाँ। तो मम्मा मेन स्काई शॉट्स बचे हुए हैं, इंटरवल है ना अभी, तो 240 पिक्चर अभी बाकी है। Eventually. तो अब ये लड़ी है भाई 1000 वाली, और इसमें 1000 शॉट्स हैं ऐसे। हमको यही मिल पाई, वैसे हमको चाहिए थी 10-12 हज़ार वाली शॉट्स, बट वो मिल नहीं पाए। अभी चिराग दिया देखो, ये हमका वीडियो कॉल तुम्हारे साथ में है, और सारे पटाखे फोड़ रहे हैं। पटाखे तो देखो फटेंगे, अब वहाँ दिल्ली में भी पटाखे फट रहे हैं, बट यहाँ पे ये हो गया कि नानी नानी के साथ पटाखे फोड़ रहा हूँ मैं। और अब हम जला रहे हैं ये विशिंग लैम्प। सारी अपनी मांग लो विशेष मम्मा। चला गया। पापा को पता नहीं क्या हुआ है, ईयर में क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, आज इको कर रही है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो भाई आज तो आ गया बहुत ज़्यादा मज़ा दिवाली मना करके सबके साथ में, तो ख़त्म करता हूँ अपने आशीष व्लॉग को यहीं पे ही। वैसे सबको मज़ा आया नहीं आया? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मासी मेरे को मुझे बोलती थी यदु थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, बट आज मासी फाइनली कितने एक साल बाद आई, एक साल बाद आई, क्योंकि मासी मेरे बर्थडे, लास्ट टाइम तो मिस्टी के बर्थडे में मजाक हो गया था ना, मैंने फोड़ा वो और उसी तो पैसे फटा। तो चलो खत्म करता हूँ व्लॉग यहीं पे ही।